पुलिस प्रशासन ने फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। फर्जीवाड़ा का ये मामला सिंगरौली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने वाले एक आरोपी समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा पुलिस पटवारी समेत फर्जी दस्तावेज बनाने और जमीन खरीदने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि आवेदक राम प्रकाश सिंह ने पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के समक्ष शिकायत पत्र के माध्यम से अपनी फरियाद रखी थी, जिसके बाद एसपी कुरैशी ने 7 दिन के भीतर शिकायत पत्र की जाँच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही। थाना प्रभारी ने शिकायत पत्र की जाँच कर आरोपी प्रमोद रंजन पटेल, छोटेलाल शाह और राम लखन पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई रजिस्ट्री के पेपर बरामद किए गए हैं। सोनभद्र के रहने वाले हैं कि वो कुछ समय पहले उनका ट्रांसफर कोरबा छत्तीसगढ़ हो गया था, तो वो यहाँ पर अपनी भूमि को भूमि की देखरेख नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान जो है कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनके नाम से जो है ये जमीन जो है उनके स्वामित्व की जमीन जो है दूसरे को बेच दी है। तो इसमें इस शिकायत को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और शिकायत जांच में जो है टोटल 7 लोग आए हैं और ये तथ्य प्रमाणित हुआ कि इनके नाम से जो है हलका पटवारी के साथ मिलकर भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका बनवा ली गई थी। उसने इनके नाम का राम प्रकाश सिंह नाम का जो है आधार कार्ड भी बनवा लिया था, वो चीज़ें भी जो है इसमें जब्त की गई हैं और इसमें कुल 7 आरोपी हैं। 7 आरोपी में से 3 आरोपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनमें प्रमोद रंजन, छोटेलाल शाह और रामलखन पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। अभी हलका पटवारी खुशबू सिंह, शीतला प्रसाद, सुरेश शर्मा और रीता शर्मा जो है अभी इसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनको थाना प्रभारी को निर्देशित किया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।